हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पेपर सेकंड। तो लास्ट क्लास में हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने नोट किया और उसके पॉइंट्स, उसका डायग्राम और उसकी जो हमारी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम उसका कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन है हमारे पास 0 से 1 + i / z² dz। तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ इसे। तो यहाँ देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ जेड, तो हम जानते हैं कि जो समाकलन होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ जेड डी जेड। इन दोनों को मैंने क्या किया, कंपेयर किया। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो एफ ऑफ जेड की वैल्यू है, जो मान है, वो क्या आएगा, जेड स्क्वायर। इसकी जो न्यून सीमा है वो 0 है और इसकी जो उच्च सीमा है वो 1 + i है। अब इन दोनों सीमाओं को हमें तुलना करनी है किससे, जेड के मान से, और जेड का मान क्या होता है, ओके। तो सबसे पहले हम निम्न सीमा रखेंगे। तो निम्न सीमा का मान है 0 = x + i/y। अब इसमें जो रियल पार्ट है उसके रियल पार्ट से कंपेयर करो, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। तो यहाँ जब हमने रियल पार्ट का करा, तो रियल पार्ट की वैल्यू है 0 और आयोटा वाला पार्ट नहीं है, इट मीन्स वो भी क्या है, 0। तो जो उसकी निम्न सीमा है वो क्या आ गई हमारे पास, 0.0। सेम मेथड हम इसकी उच्च सीमा निकालने में करेंगे। तो क्या है हमारे पास, z = x + i/y। अब जो ये z है ये किसकी वैल्यू है, 1 + i/y की। तो 1 + i = x + i/y। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू क्या हो गई, x = 1 और y और आयोटा से मल्टीप्लाई है 1। इट मींस जो y की वैल्यू है 1, तो इसकी जो उच्च सीमा आई है वो क्या आ गई, 1.1। तो इन दोनों पॉइंट से हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये होता है हमारा सम्मिश्र तल में एक्स अक्ष, मतलब वास्तविक अक्ष, और ये होता है हमारा काल्पनिक अक्ष। अब एक बिंदु हमें दिया है 0.0, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया O, और पॉइंट क्या है, 0.0 है। दूसरी जो दो आया है वो क्या आया है, 1.1। तो हमने इस पॉइंट को इससे मिलाया, इसके उसको, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको y ले लो, चाहे आप इसको x अक्ष पे ले लो, जहां आपका मन करे, जिस तरह से करे। चाहे तो हम y के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल सकते हैं, चाहे हम x के अकॉर्डिंग। तो हमें कभी भी इमेजिनरी पार्ट में जब जाना है, जब हमारे पास रियल पार्ट मतलब वास्तविक अक्ष पर ना मिले, अदरवाइज हमें क्या लेना है, वास्तविक अक्ष। और x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0, और x का मान कितना है, 1। क्लियर। अब हम इसके वास्तविक अक्ष पर सीमा बताते हैं कि इसकी वास्तविक अक्ष पर सीमा क्या है। तो इतना आप लोगों ने कल की क्लास में नोट कर चुके थे। अब हम इसके बाद पर डिस्कस करेंगे इसका मैथमेटिकल पार्ट। तो देखो आगे, वास्तविक अक्ष में और काल्पनिक अक्ष में। तो वास्तविक अक्ष पर हम इसकी सीमा देखते हैं, x का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित। क्यों, क्योंकि हम x अक्ष पर देख रहे हैं। तो कहां से जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक। तो ये चला 0 से लेकर 1 तक, ओके। आफ्टर दैट y का मान यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होगा, 0। और जो मान समान हो उसको हम क्या रखेंगे, z = क्या होता है, x + i/y। क्लियर, z = x + i/y। x अक्ष पर हम देख रहे हैं तो x रहेगा as it is।
और एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना है, समान है, मतलब जीरो है, आयोटा जीरो। तो जेड बराबर तो क्या था एक्स, और अगर मैं इसका अवकलन करूंगी तो बी जेड बराबर क्या आ जाएगा डी एक्स। तो ये किसकी सीमा है, एक्स अक्ष की, और ये एक्स अक्ष पर मेरे पास किसके मान आ गए जेड के। तो यहाँ क्या है जेड स्क्वायर, तो जेड का मान पुट करूं क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और डी जेड की जगह क्या लिख देंगे हम डी। ओके क्लियर ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करेंगे काल्पनिक अक्ष। तो काल्पनिक अक्ष पर जो एक्स का मान है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। ये वाई अक्ष का मान है क्योंकि ये इसके क्या है समांतर है, और समांतर है तो ये लाइन हमें किसका मान देगी, जितना मान उस वाई का होगा आफ्टर दैट। तो जेड अक्ष पर एक्स का मान समान है तो एक्स का मान मैंने रख दिया वन, और वाई का मान मुझे निकालना है तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई होता है। अब यहाँ से मैं जब इसका अवकलन करूंगी तो एक का होता है जीरो प्लस आयोटा, और वाई का हो जाएगा डी वाई। इट मीन्स डी जेड इक्वल टू आयोटा डी वाई। तो यहाँ देखो प्लस का लिमिट क्या होगी, यहाँ पर हम किसकी लिमिट देखेंगे वाई अक्ष की, और वाई अक्ष कहाँ से बदल रहा है जीरो से लेके बदल रहा है वन में। तो यहाँ लिखा हमने जीरो से वन, जेड का मान पुट करो वन प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर और आयोटा डी वाई। ओके तो ये बन गया हमारे पास इसका मैथमेटिकल पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है एक्स क्यूब बाय थ्री, और इसकी पावर है जीरो से वन प्लस वन प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर करो, आयोटा तो आ जाएगा बाहर से, ये ऐसे कॉन्स्टेंट है। इसका सॉल्व करा तो हमारे पास आएगा वन प्लस आयोटा वाई की पावर थ्री अपॉन थ्री, वन का किया जीरो और आयोटा वाई का करा तो क्या आएगा सिर्फ हमारे पास आयोटा, और आयोटा हमने लिख दिया और इसकी सीमा है जीरो से वन। क्लियर। अब एक्स इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सॉरी हम समाकलन कर रहे हैं, गलती से इसका अवकलन कर दिया। अच्छा तो इसके बाद जब हम इसका अवकलन करेंगे तो वो वैल्यू कहाँ आती है, नीचे आती है। तो इस आयोटा से यह आयोटा हो जाएगा कैंसिल। तो सॉल्व करो वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू पहले उच्च सीमा रखेंगे तो वन बाय थ्री, निम्न सीमा रखेंगे तो जीरो, आयोटा से आयोटा हो जाएगा कैंसिल प्लस वन प्लस आयोटा की पावर थ्री बाय थ्री, और माइनस वन प्लस यहां रहा जीरो तो वन बाई थ्री। ओके तो हमारे पास जो इसका मान आएगा वो क्या आएगा, वो देखो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू वन पुट करेंगे, ठीक है ओके तो नोट करो इसे, फिर हम इसको रख करके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट करो यहां तक पहले से,
यहां से हमारे पास बचेगा प्लस का 1/3, माइनस का 1/3, प्लस का 1 + i / 2/3। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 + i / 3/3। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला। तो इसका आंसर आएगा माइनस का 2/3 प्लस का 2/3 फॉर्मूला। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। मान ज्ञात कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मान ज्ञात कीजिए, और मान है हमारे पास सी जेड स्क्वायर प्लस 3z + 2 डी जेड, जहां सी चक्रज एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा कॉमा वाई ए 1 - cos θ का बिंदुओं का बिंदुओं 0,0 तथा पाई ए कॉमा टू ए के मध्य चाप है। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इसको पहले नोट कर देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। तो लिखेंगे इसमें हम, चूंकि एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3z + 2 एक बहुपद फलन है, अतः यह जेड का विश्लेषित फलन है, समाकल दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र है। तो ये लाइन तो आपको सब में लिखनी है, समाकलन दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र है। माना कि समाकल का पथ एक वक्र है जो निम्न प्रकार बना है। समाकल का पथ एक वक्र है जो निम्न प्रकार बना है। फर्स्ट पॉइंट, बिंदु 0,0 से बिंदु πa,0 तक वास्तविक अक्ष का खंड वास्तविक
अक्षाखंड OA। इस रेखा पर z इक्वल टू x, dz इक्वल टू dx होगा तथा x का मान 0 से लेकर पाई a होगा, 0 से लेकर पाई a होगा। तो नॉट पर जैसे फिर हम समझेंगे कि हमने ये क्या लिखा है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आपको बिना समझे समझ आ जाएगा। देखो इससे पहले बिंदु पाई ए
पर जेड इक्वल टू पाई ए प्लस आयोटा वाई और डी जेड इक्वल टू आयोटा डी वाई तथा वाई का मान जीरो से टू ए तक होगा, टू ए तक होगा। लिखो और इस चित्र को बनाओ, फिर हम समझेंगे कि वास्तविक अक्ष पर पॉइंट किस तरह से निकाले हैं और काल्पनिक अक्ष पर इसके जो बिंदु हैं वो किस तरह से निकाले हैं और किस तरह से हमने इसकी सीमा को रखा है। नोट करो इसे। हमें लिखना है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा।
तो एक्स अक्ष पर वाई का मास, पहले हम देख रहे हैं वास्तविक अक्ष के लिए, वास्तविक अक्ष के लिए, तो वास्तविक अक्ष के लिए या फिर एक्स अक्ष पर वाई का मान होता है जीरो, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, मतलब जो मान आपका समान है उसे यहां रख दो, तो क्या बचेगा एक्स प्लस आयोटा जीरो, तो जेड इक्वल टू एक्स और डी जेड इक्वल टू डी एक्स। तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो यही लिखा है कि जेड इक्वल टू एक्स और डी जेड इक्वल टू डी एक्स। अब हम बात करेंगे काल्पनिक अक्ष की, कि काल्पनिक अक्ष पर जो हमने मान लिखा है वो किस तरह से लिखा है। तो काल्पनिक अक्ष पर मतलब वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहां देखो एक्स का मान पाई है, ऊपर भी पाई है, मतलब एक्स का मान तो समान है, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां किसका मान रखेंगे, एक्स का, पाई ए प्लस का आयोटा वाई। अब क्या करेंगे हम यहां से डी जेड निकालेंगे, तो डी जेड का मान क्या आ जाएगा, आयोटा डी वाई। ओके, तो यहां तक हमने दो पॉइंट्स लिखे थे और दोनों पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। अगर हम एक्स अक्ष की बात करेंगे तो वाई का मान रखेंगे, और अगर हम काल्पनिक अक्ष वाई की बात करेंगे तो हम एक्स का मान रखेंगे, उसके बाद हम डी जेड का मान निकाल लेंगे। इन दोनों मानों को अब देखो एक्स अक्ष के लिए मतलब वास्तविक अक्ष के लिए एक्स की सीमा क्या होगी, कहां से जा रहा है, जीरो से, और कहां तक जा रहा है, पाई ए तक। और वाई अक्ष की सीमा की बात करें तो वाई अक्ष बाद वाला होता है, कहां से जाएगा, जीरो से कहां तक, टू ए तक। आ गया समझ में, अब हम इसे मैथमेटिकल में नोट करते हैं। देखो पहले हम बात करेंगे वास्तविक अक्ष की, तो वास्तविक अक्ष की सीमा है जीरो से पाई ए, और जेड का मान किसके बराबर था, एक्स के बराबर, मतलब एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस का टू, और डी जेड का मान था डी एक्स। ये हो गया वास्तविक अक्ष। प्लस काल्पनिक अक्ष की बात करते हैं, काल्पनिक अक्ष की सीमा क्या है, जीरो से टू ए, और हमारे पास जो इसका मान था जेड का वो मान किसके बराबर आया है, पाई ए प्लस आयोटा वाई। तो जहां भी जेड है उसका मान रखो पाई ए प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस का थ्री पाई ए प्लस का आयोटा वाई प्लस का टू। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को हटाती हूँ यहां से भी, और डी जेड का मान क्या आया था, आयोटा डी वाई। क्लियर। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन, एक्स क्यूब बाय थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस का टू एक्स, इसकी सीमा को कर दो क्या है, जीरो से पाई ए प्लस, इसका करेंगे पाई ए प्लस आयोटा वाई की पावर होल क्यूब अपॉन थ्री, और आयोटा वाई का करेंगे तो आयोटा आ जाएगा नीचे प्लस का थ्री पाई ए प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर बाय टू आयोटा प्लस का टू वाई, ये मल्टीप्लाई होगा हमारा जीरो से टू ए आयोटा डी वाई। तो यहां लिखेंगे हम इसकी सीमा पुट करो, पाई ए क्यूब बाय था थ्री पाई ए का होल स्क्वायर बाय टू प्लस का टू पाई ए माइनस, जब निम्न सीमा रखेंगे तो मान क्या आ जाएगा, जी प्लस का, इस आयोटा से ये आयोटा हो जाएगा कैंसिल, यहां पे इसका मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा इसका पाई ए प्लस आयोटा 2a बाय 3 का होल क्यूब। ठीक है, और प्लस 3 पाई a प्लस आयोटा
प्लस का टू और यहाँ पर वाई का मान रखा तो टू ए और इसके साथ रहेगा आयन का। ये तो हो गई इसकी उच्च सीमा। निम्न सीमा रखेंगे तो इसका मान होगा पाई ए का होल क्यूब अपॉन थ्री माइनस का थ्री पाई ए अपॉन टू और इसका मान रहेगा माइनस का ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। और इसका जब हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो यहां तक नोट करो एक बार, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर नोट करेंगे यहां पर। तो हमने क्या किया, इसका उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा रख दी। तो लिखो इसे पहले, तो अब हम इसको हल करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं सीधा नोट कर रही हूँ इसको आंसर, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर होगा वन बाय टू पाई ए प्लस वन बाय थ्री पाई ए प्लस टू ए आयोटा की पावर और क्यू प्लस थ्री बाई टू पाई ए प्लस टू ए आयोटा प्लस का फोर ए आयोटा। ये है इसका आंसर, नोट कर लो इसे। सॉल्व कर लेना, टर्म सीधी सीधी आप लोगों की कट जाएंगी। ओके, इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व